देखो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है, फन भी है। क्योंकि आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम सुनते हैं आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आता होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? और देखो इस बात के पूरे चांसेस है कि आज की वीडियो के बाद ये भाई इस टाइप की वीडियो जरूर अपलोड करेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अब आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं आप सबको पता है कि 2020 का सुपरस्टार कौन है, आखिर किसको 2020 का स्कैमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। पर अब नया साल नया स्कैमर, तो अब मैं तुमको बताने वाला हूँ 2021 का सबसे बड़ा स्कैमर। और हाँ, ये बंदा 2020 वाले स्कैमर से भी बड़ा स्कैमर है। वैसे तो कहने को श्रेय भाटी एक न्यूज चैनल है, पर असलियत में यूट्यूब इनका एक साइड बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा दूसरा काम क्या है जिसके बारे में आज तक श्रेय भाटी ने किसी को नहीं बताया। और देखो हाँ, ये न्यूज बहुत ही टॉप सीक्रेट है और किसी को मत बताना, क्योंकि जो हमारे श्रेय भैया हैं इनका बिजनेस सिंपैथी पे चलता है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। अब जो हमारे श्रेय भैया हैं इनके पास एक बहुत ही तगड़ी वाली स्कीम, भैया को हर दो महीने में एक बार स्ट्राइक पड़ जाती है और भैया यूट्यूब क्विट करने लग जाते हैं। बहुत ही भयंकर वाला खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है और फिर एकदम से जिंदा उठते हैं, मतलब यूट्यूबर ना हुआ अंडरटेकर हो गया ये लौंडा। पर यार एक बात समझ में नहीं आई कि लौंडो को जब चैनल पर दो स्ट्राइक पड़ जाती है फिर उसके बाद वीडियो अपलोड कैसे कर देते हैं। यूट्यूब तो यही बोलता है कि अगर आपको दो स्ट्राइक पड़ जाती है तो आप दो वीक तक कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। पर जो हमारे श्रेय भैया इनके कुछ अलग ही कनेक्शन है यूट्यूब से। अब देखो ये तो सबने सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अब सेम वैसे ही क्या पता है न्यूज रिपोर्टर्स की गांड लंबी होती है। क्योंकि देखो ये यूट्यूब है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब दो स्ट्राइक के बाद वीडियो डल सकती है तो फिर गांड भी लंबी हो सकती है। ये फंस गया यार, जब किसी के चैनल पे स्ट्राइक आती है उसका चैनल हैक होता है तो वो यूट्यूब के पास जाता है कि यूट्यूब भैया हमारी मदद करो। श्रेय भाटी जैसे लोगों के लिए स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं होती, ये एक यूट्यूब से दिया हुआ लड्डू होता है और इस लड्डू में ये लोग थोड़े से सिंपैथी और थोड़े से आंसू मिला के लोगों को खिला देते हैं, क्योंकि पब्लिक तो चूतिया है, पब्लिक को क्या ही पता चलेगा। पर आपको पता है स्ट्राइक पड़ने के बाद भाई का रिएक्शन कैसा होता है? पर वो जानने से पहले तुमको मैं एक बात बता दूं, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करने पर तुमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर तुम्हें अपना नंबर डालकर सबमिट कर देना। उसके बाद कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना नंबर, ईमेल और कोई भी रैंडम पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देना। उसके बाद आपके डाले हुए नंबर पे ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के आपको ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। और इसमें रजिस्टर करने वालों में से कुछ लकी यूजर्स को 50,000 डायमंड तक इजीली मिल सकते। जाओ रजिस्टर करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये भाई जब स्ट्राइक पड़ती है तो भाई कुछ इस प्रकार से होते हैं। कोई गलती नहीं है, मैं तो एक छोटा सा न्यूज चैनल हूँ और मेरा करियर खत्म कर दिया गया, मेरी सालों की मेहनत पे मूत दिया गया। गाइस मैंने इनडायरेक्टली ज्ञान सेन को टारगेट कर दिया, आप प्लीज उसको जाके हेट दो प्लीज गाइस प्लीज, ताकि मेरे सेकंड चैनल पे और सब्सक्राइबर बढ़ सके और मैं लोगों से न्यूज चैनल के नाम पे और स्पॉन्सरशिप ले पाऊँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि श्रेय भाटी एक चोर है तो क्या आप मानोगे? अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय भाटी ने ऑडियंस के साथ स्कैम किया तो क्या आप मानोगे? अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय भाटी पैसा लेके न्यूज डालता है तो क्या आप मानोगे? अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय भाटी कंट्रोवर्सी करवाता है तो क्या आप मानोगे? अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय भाटी क्लिकबेट करता है तो क्या आप मानोगे? अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय भाटी एक बहुत बड़ा दोगला है तो क्या आप मानोगे? मुझे पता है आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। पर अब जो तुमको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ उसके बाद तुमको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब सही है। अब यार देखो मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब भी कोई काम की न्यूज होती है उसको श्रेय भाटी कभी कवर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अभी ट्रायल सीरीज हुई, आपको कहीं पे टूर्नामेंट्स की न्यूज मिलती है कि श्रेय भाटी के चैनल पे? कभी नहीं मिलेगी। पता है भाई न्यूज कैसे कवर करते हैं? मैं बताता हूं। देखो यहां पर मैंने भाई को मैसेज किया कि भाई मैंने स्पॉन्सरशिप भेज दी है, प्लीज न्यूज कवर कर देना। और उसके बाद भाई का रिप्लाई क्या आया वो तुम खुद देख सकते हो। और हाँ, इस बात को श्रेय अच्छे से जानता है कि मैंने उसको कितना पैसा दिलवाया है न्यूज कवर करने के लिए। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आपको श्रेय भाटी से कवर करवाना है तो आपको सिर्फ पैसा देना होगा। पैसे से याद आया, अच्छा किसी का पैसा भी खाया था इसने, वो अपन बाद में कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। पर बात आती है जब रिएक्शन की, जब भी तुम श्रेय भाटी के चैनल पर जाओगे तुमको एक ही चीज देखने को मिलेगी। और अब तो मतलब ऐसा हो गया है ना कि मुझे पता चल जाता है कि आज ये क्या डालने वाला है और इस बंदे के टाइटल में इजीली गेस कर सकता हूं। कभी कभी तो साला मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आती है। तुम खुद देखो ना इसकी वीडियो में, हर दूसरी वीडियो या तो ऐसी होगी कि देसी गेमर एंग्री, या तो अज्जू भाई का फेस रिवील होता रहेगा, या फिर किसी रैंडम बिग यूट्यूबर के साथ कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी। पर कुछ भी कहो, भाई की वीडियोस में क्रिएटिविटी है, एक बहुत ही परमानेंट वाला पैटर्न है। तुम खुद देखो ना, हर वीडियो में देसी गेमर छाप रखा है। देसी गेमर ने टट्टी करी तो न्यूज़, देसी गेमर अगर चेयर से उठ गया तो भी न्यूज़, देसी गेमर ने किसी का कमेंट पढ़ लिया तो भी न्यूज़, अज्जू भाई ने अगर फेस्टिवल को लेकर जोक मार दिया तो भी न्यूज़, अब कहीं कुछ भी हो गया तो क्लिकबेट करके वहां भी न्यूज़। पर वो टीम जो ट्राई सीरीज खेल रही है, टूर्नामेंट जीत रही है, उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं। वो सारी टीम जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं। और ऐसे न्यूज़ चैनल को तुम न्यूज़ चैनल बोलते हो? जिस तरह श्रेय को ज्ञान ने और मैंने गांड पिला दे रखी कि गलती से भी हमारी न्यूज़ कवर मत करना, उसी टाइप से अगर देसी ने भी गांड पिला दे दी फिर तो भाई का धंधा ही बंद हो जाएगा। तुम खुद चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, हर वीडियो में तुमको देसी कवर मिल जाएगा। और जब तुम भाई की न्यूज़ देखोगे तुमको एक बात जरूर समझ में आएगी कि भाई बिना मतलब में देसी कवर को हर वीडियो में घुसेड़ते हैं। क्योंकि देखो भाई को एक बात बहुत अच्छे से पता है, जिस टाइप से फैन पेज होते हैं ना, फैन पेज को मात्र 9 साल की ऑडियंस ही फॉलो करती है, वैसा ही सेम चैनल होता है न्यूज चैनल का, न्यूज चैनल्स को भी सेम 9 साल की ऑडियंस ही फॉलो करती है। और मैं यहाँ पे नियॉन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है श्रेय जैसे फ्रॉड चैनल की। नियॉन मैन और श्रेय वाइटी में जमीन आसमान का अंतर है और वो डिफरेंस तुमको इनकी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा।
अब मान के चलो देसी गेमर और टोटल गेमिंग दो तीन दिन लाइव नहीं आते या फिर फ्री फायर कम्युनिटी में कोई बड़ा कांड नहीं होता है तो अब तो भाई के पास कोई न्यूज नहीं है कवर करने के लिए, तो भाई क्या करें? तो यहाँ पे भाई अपना फिर बहुत ही चमत्कारी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं उसी दिमाग की बात कर रहा हूँ जिस दिमाग का यूज करके इस बंदे ने डेमन आर्मी के पूरे कंटेंट को कॉपी कर लिया और इस बात को आप सब अच्छे से जानते हो। चलो हम बात करते हैं एक नए यहाँ पे। देखो इस भाई का क्या कहना है, इस भाई ने मुझे एक वीडियो के लिंक दी है और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है। अब ये भाई मुझे ऐसी वीडियो दिखाता है अज्जू के जिसमें क्लिक बेट की हो ताकि मैं इसके ऊपर रिएक्ट कर दूं और अज्जू पे एक वीडियो बन जाए और जब अज्जू और मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हो तो फिर श्रेय के मजे ही मजे। चलो ये तो सह लेंगे कोई बात नहीं, पर तुमको मैं एक बहुत नई बात बताता हूँ। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि अज्जू तेरा बाप इस वर्ड को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी और जब भी एक ज्ञान वर्सेस अज्जू चल रहा था तो इन दोनों की लड़ाई में अगर किसी बंदे का फायदा हुआ तो वो था श्रेय भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आग लगी हुई थी उसमें घी डालने का काम किया था श्रेय। और उन्हीं 15-20 वीडियो की वजह से इस बंदे का एक मंथ में 300-400 के सब्सक्राइबर बढ़ा था और 300-400 नहीं ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है और तब श्रेय ज्ञान के गिल्ड में था। और मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि श्रेय ने वहाँ पे ज्ञान को जरूर भड़काया होगा कि भैया रिएक्ट करो ज्ञान, भैया रिएक्ट करो, तुमको ऐसा कैसे बोल दिया, तुम तो टॉप हो भैया, भैया ज्ञान भैया जल्दी से रिएक्ट करो ज्ञान भैया। और यहाँ पे अपने ज्ञान भैया ने रिएक्ट कर दिया और वहाँ पे श्रेय के मजे हो गए। अब चलो इसी चैट का तुमको मैं एक और प्रूफ दिखाता हूँ और ये वाला स्क्रीनशॉट देखने के बाद पूरी बात तुम्हारी क्लियर हो जाएगी कि श्रेय कैसे कंट्रोवर्सी करवाता है। अब यहाँ पे भाई का कहना है कि भैया जाओ सेकंड चैनल पे रिएक्ट करो और मैं उस न्यूज को कवर कर दूंगा। अब भाई की चालाकी का लेवल देख रहे हो तुम, कितना चालाक है लौंडा, देख रहे हो कंट्रोवर्सी कराने में एक से एक निंजा टेक्निक यूज करता है बंदा। और अगर फिर भी आप इसकी वीडियो देखते हो आप उल्लू के पट्टे, और जितना मैंने तुमको बताया उसको जानने के बावजूद तुमने उसको सब्सक्राइब कर रखा है आप उल्लू के पट्टे, मेरे प्रूफ देने के बाद भी अगर तुम इसकी वीडियो को लाइक करते हो और जो बात मैं आपको बताने वाला वो शायद आपको पता हो ना भी पता हो और ना भी पता होगी तो अब पता चल जाएगी कि श्रेय भाटी ने पहले ज्ञान की चाटी, ज्ञान से लात पड़ी तो भाई टीएलसी में चले गए कोई बात नहीं, फिर ज्ञान ने इनको स्ट्राइक दी कोई बात नहीं, बट जब ज्ञान ने उसको स्ट्राइक मारी थी अगर उस टाइम मैं इसका सपोर्ट नहीं करता ना तो अब तक तो शायद इस बंदे का चैनल भी डिलीट हो चुका होता। पर ये बंदा बहुत शाना, बहुत ज्यादा शाना, सिंपैथी लेके भाई ने अपना सेकंड चैनल तो ग्रो कर लिया, इवन थर्ड भी ग्रो कर लिया। और आप में से जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं मुझे जानते हैं उनको पता है कि श्रेय के लिए सेकंड चैनल पर लाइव कौन बंदा आया था और इस कारण से ज्ञान और मेरे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई थी। बट श्रेय ने यहाँ पे लड़ाई नहीं देखी, यहाँ पे श्रेय ने एक ही चीज देखी और इसका दोगलापन यहीं पे खत्म नहीं होता है। मैं थोड़ा और बताता हूँ, अभी बीच में मेरा एक यूट्यूबर से कुछ सीन हो गया था और उसमें श्रेय भाटी उसका बहुत अच्छा दोस्त था और ये बंदा उस फलाने यूट्यूबर को जाके बहुत गलत गलत चीजें बता रहा था, मतलब गलत नहीं बोलेंगे उसको इनकम्प्लीट चीजें बता रहा था। और तब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे श्रेय के ऊपर डाउट किया कि यार इसको यही बंदा बता रहा है जहां तक है। और फिर मैंने चलाया एक ब्लाइंड तीर, एक अंधा तीर चलाया मैंने और यहाँ मैंने श्रेय से बोला कि भाई फलाना यूट्यूबर की और मेरी न्यूज कोई भी तू कवर मत करना इस टॉपिक पे। और श्रेय ने फटाक से वो स्क्रीनशॉट लिया मेरी चैट का और ले जाकर फलाने यूट्यूबर को पकड़ा दिया और फलाना यूट्यूबर भी सेम श्रेय की बुद्धि वाला और भाई ने अपने बच्चों वाला दिमाग लगा कि वही चीज स्ट्रीम पे बक दी और मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे दलाली कौन खा रहा है, यहाँ पे किसके दोगलेपन से चैनल चल रहे हैं। और फिर मैंने इस टॉपिक को वहीं क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे अपने ही भरोसे वाले निकले और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ ऐसा ही रीजन होगा इसीलिए ज्ञान ने उसको गान पे लात दी। और मैं तो कहता हूँ अच्छा भी किया और मैं तो कहता हूँ ऑडियंस तुम भी दो। और जितने प्रूफ मैंने आज की वीडियो में दिए हैं, जितनी तुमको बातें बताई हैं, उन सब बातों को सुनने के बाद भी अगर तुमने उसको सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि आप उल्लू के पट्टे, और जो श्रेय भाटी टाइप के न्यूज चैनल होते हैं जिनको या तो आप ई बगर कह सकते हो या फिर ई स्कैमर कह सकते हो या आप डिजिटल दलाल भी बोल सकते हो, ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। और जितने रीजन मैंने तुमको दिए हैं उतने बहुत, और अगर तुम बात करते हो क्लिक बेट की तो मैंने उस टॉपिक को नहीं उठाया बिकॉज यार उस पे बहुत लंबी पिक्चर बनती है, इसके जैसे लोग न्यूज चैनल को न्यूज चैनल नहीं ये बिजनेस समझते हैं बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी फैलावा बिजनेस है। अब देखो श्रेय जैसे चोर तो आते रहेंगे और चोरों की यहाँ बजाते रहेंगे, पर थोड़ी ये अलग तुमको हट की बात बताता हूँ। देखो भाई कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि 24 घंटे अपने घर में पैक रहो, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त अपना टीवी देखो, गेम खेलो, मौज करो, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम तो ऐसे ही कैंसिल हो रखी है। तो देखो यहाँ पर मैं एक चैरिटी स्ट्रीम करने वाला, वो शायद या तो शनिवार को होगी या फिर संडे को होगी और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा या कौन ज्वाइन नहीं करेगा, या हुआ तो मैं फिर अकेला ही वो स्ट्रीम करूँ और वो वाले स्ट्रीम से जो भी पैसा होगा वो अपन कोविड में जो भी पेशेंट है उनको डोनेट कर ताकि उनकी ऑक्सीजन और बाकी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। और एक और मजे की बात, उस स्ट्रीम पे चाहो तो तुम अपना चैनल प्रमोट कर सकते हो और हाईएस्ट डोनेशन देने वाले टॉप 10 बंदों मैं अपने मेन चैनल पर एक अलग से वीडियो बना के शॉर्ट आउट दूंगा, मतलब एक तरह से कह लो उनका चैनल प्रमोशन करूंगा। और वो जो स्ट्रीम है उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। अगर तुम डोनेट नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर कर दो, तुम्हारा एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।